नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पहली बार देपालपुर एसडीएम रवि कुमार सिंह इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जैसे सख्त अंदाज में नजर आए। एसडीएम के सख्त बोल से जहां नगर परिषद के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है, वहीं अवैध वसूली दादागिरी करने वाले लोगों में भय और चर्चा का माहौल देखा जा रहा है। एसडीएम ने अवैध वसूली और दादागिरी करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर बिल्कुल भी शिकायत मिली तो उसकी खैर नहीं, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इंदौर संभाग के सबसे बड़े मंगलवाड़िया पशु हाट देपालपुर में लगता है। यहाँ की पिछले कई दिनों से अवैध वसूली और असुविधाओं की शिकायत क्षेत्रीय एसडीएम और नगर परिषद देपालपुर के प्रशासक रवि कुमार सिंह को मिल रही थी। इस विषय को तत्काल संज्ञान में लेते हुए एसडीएम सिंह ने सीएमओ श्रीमती संध्या सरयाम और राजस्व निरीक्षक सुरेश चंद्र त्रिवेदी के साथ मिलकर पशु हाट बाजार का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने पशु विक्रेताओं से चर्चा की और उन्हें क्या क्या असुविधाएं हो रही है इसकी जानकारी ली। कई लोगों की सघन रसीदें जांची गई हैं। इस दौरान सीएमओ श्रीमती संध्या सरयाम और राजस्व निरीक्षक सुरेश चंद्र त्रिवेदी को निर्देशित किया गया है कि पशु हाट के यातायात को दुरुस्त किया जाए, क्रय विक्रय करने वाली पर्ची का खुलासा करते हुए उसकी राशि भी डालें, क्या नियम कायदे रहेंगे, इसलिए पशु हाट के प्रमुख द्वारों पर बोर्ड लगाया जाए। इसके बारे में मैंने आज यहाँ पे जांच किया है और पहली बात तो पूरी प्रक्रिया इनकी समझाया आज मैंने। यहाँ पे जो हमारे व्यापारी बंधु आते हैं, किसान बंधु आते हैं, उनसे उनके बारे में समस्याओं को समझा है। जो मोटी मोटी इनकी समस्याएं हैं, जैसे इन्होंने बताया कि छोटी गाड़ियों के लिए ठिया नहीं है, यहाँ पर जानवरों को पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं है, है लेकिन ठीक नहीं है, गाड़ियाँ जो आती हैं उनमें जाम लग जाता है। और सबसे बड़ा इनका जो शिकायत है कि जो इनके शुल्क वगैरह लिए जाते हैं उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कि जैसे यदि जानवर बिका तब कितना शुल्क देना पड़ेगा, नहीं बिका जानवर कोई लेके जा रहा है व्यापारी किसान लेके जा रहा है तब उसको कितना देना पड़ेगा, इसके सब के बारे में आज यहाँ पर जानकारी मिली है। इसमें आज जो मैंने यहाँ पे सीएमओ मैडम थे उनसे मिलकर के हम लोगों ने जो तय किया है, पहली बात तो जो कुछ जानकारी है, जो भी हमारे शुल्क लिए जा रहे हैं शासन के, उनका स्पष्ट प्रावधान प्रदर्शित होना चाहिए। तो जगह जगह पर उनके बोर्ड लगाएंगे, पूरे निर्देश जो हैं उसको हम लिखेंगे। नंबर एक, माइक लगवाऊंगा यहाँ पर जो हमारे कंट्रोल रूम बने, जैसे माइक से हम अनाउंस करते रहें कि जी कितना शुल्क देना है, रसीद लेना है, कौन सी रसीद किस कलर की, जैसे ठीक रसीद पीले रंग की है, हमारी चेक पॉइंट की रसीद गुलाबी रंग की है, इस प्रकार के अनाउंसमेंट होने से जो यहाँ पे भ्रम की स्थिति है वो दूर होगी। दूसरी बात, अगर किसी कोई शिकायत है, एक शिकायत यह भी मिली कि बाहरी लोगों को बहुत हस्तक्षेप होता है यहाँ पर, लोग अनायास वसूली करते हैं, दादागिरी करते हैं। मेरा जो मुख्य मेरा उद्देश्य था वो यही देखने के लिए था कि बाहरी तत्व यहाँ पर क्यों आता है और कैसे उसको प्रवेश मिलता है, इसको बिल्कुल सख्ती से रोकूंगा, सख्ती से रोकूंगा। किसी की दादागिरी, किसी की बदमाशी यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलने पाएगी। अगर कोई भी शुल्क आ रहा है, मेरा सबसे निवेदन भी है कि अगर जो भी शुल्क है सबकी रसीद लें, वो लोग रसीद बिल्कुल लें, 100% लें। अगर कोई नहीं देता रसीद बिल्कुल उसकी शिकायत करें, उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छी है केवल उतनी की रसीद की कट रही है उतना शुल्क भुगतान करें वो, और यहाँ पे आदमी उनको परेशान करता है उसके लिए हम सब लोग प्रशासन को सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसके लिए पूरा जो प्राइवेट लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, इसके लिए मैंने कहा कि इसकी प्लानिंग करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी शुल्क मिलना चाहिए पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं, नगर परिषद कर रही है, शासन कर रही है, और प्राइवेट आदमी यहाँ पे टेंट लगा रहे हैं, इसको हम धीरे धीरे कम करेंगे। कोशिश करो पूरी व्यवस्था नगर परिषद करे, भले हम साल भर का ठेका दे दे किसी टेंट वाले को, कम से कम नगर परिषद कुछ आए तो हो उससे कि भाई मान लीजिए टेंट हाउस वाला है जो लोग टेंट लगा रहे हैं, आज यहाँ पे मान लीजिए उन्होंने 10,000 रुपये कमाया, तो हमको भी नगर परिषद को कुछ उसका हिस्सा मिले। दूसरी बात, हम उसकी गुणवत्ता देखेंगे, जैसे ये जो टेंट लगे हैं कई जगह बिल्कुल फटे हुए हैं, ये कोई सुरक्षा नहीं है इनके, अभी पानी बरसने लगे जानवरों के ऊपर, पानी गिरेगा सब उसका। अगर हम सुविधा दे रहे हैं, शुल्क ले रहे हैं, तो उसमें हम अच्छी क्वालिटी की इनको सुविधा देंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।